इसको कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने विधायक दल के नेता बने, नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण भी करेंगे थोड़ी देर बाद, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक यानी 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। लगभग आधे घंटे का समारोह चलेगा और उसके बाद से मुख्यमंत्री सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी, जो मुख्यमंत्री के अलावा जो 8 मंत्री हैं ये कैबिनेट होगा इस वक्त नीतीश मंत्रिमंडल का। और उसके साथ नीतीश कुमार अभी अपनी मंत्रिमंडल की पहली बैठक करेंगे। ये जो नई सरकार है, इस नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठेगी, क्या एजेंडा होगा, बहुत कुछ खास तो नहीं होगा, लेकिन बजट सेशन शुरू होने वाला और कब सत्र बुलाया जाए, ये एक या दो एजेंडे रह सकते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण पर मुहर लग चुकी थी, लेकिन चूंकि सरकार बदल गई है, पिछला अभिभाषण कुछ और था, उसका मजमून कुछ और था, लेकिन अब जो नई सरकार है, नई सरकार में राज्यपाल जो अभिभाषण जो संबोधन करेंगे संयुक्त सत्र को, उसका अभिभाषण फिर से लिखा जाएगा, उसकी स्क्रिप्ट फिर से तैयार होगी, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में स्क्रिप्ट भी बदलेगा। लिहाजा 2-3 मुद्दे ऐसे होंगे जो प्रस्ताव के रूप में अभी जो नीतीश कैबिनेट की बैठक 5:30 में होगी उसमें लाया जाएगा, उस पर विचार होगा, पूरा स्वरूप बदला होगा। और जो राजभवन के ऊपर दिख रहा है